नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाचित दिवस के बारे में। 24 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन आसाम में होती है छुट्टी, बिल्कुल यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरी बात देखिए, लाचित बोरफुकन जो हैं ये कमांडर रहे हैं अहोम साम्राज्य में, और अहोम साम्राज्य अहोम डायनेस्टी जो है इसको फाउंड किया जाता है 1228 में। आसाम का जो ब्रह्मपुत्र वैली है उस एरिया में ये बिल्कुल साम्राज्य होता है, और मुगल्स हैं जो हैं वो कॉन्क्योर कर लेते हैं अहोम की जो कैपिटल है गढ़गांव को 1662 में, और फिर बैटल ऑफ सरायघाट होती है 1671 में। लाचित यहां पे डिफीट हरा देता है मुगल्स को। काफी फेमस बैटल है, आने वाले हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, याद रखना। और जो फर्स्ट किंग है अहोम किंगडम के वो कौन थे, देखिए नाम बिल्कुल पता होना चाहिए, चाओलुंग सुकफा, ठीक है। और देखिए हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है, फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है, लिंक नीचे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया बिकम्स चेयर ऑफ इंटरनेशनल सुगर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 2024 के लिए प्यारा भारत बिल्कुल चेयर करेगा इंटरनेशनल सुगर ऑर्गेनाइजेशन को। और इंटरनेशनल सुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, लंदन में है। और देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन सुगर से संबंधित आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारा नेशनल सुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, और इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सुगर का वर्ल्ड में। फर्स्ट कौन है कमेंट करके बता सकते हैं, ब्राजील या है कौन सा देश है, ब्राजील है मतलब, या फिर कोई दूसरा देश है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा देखिए, थर्ड जो है लार्जेस्ट इन एथेनॉल प्रोडक्शन आफ्टर यूएसए एंड ब्राजील, ये हमारी पोजीशन यहां पे बताई गई है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, पीआईबी की न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, देखिए इंडिया और नेपाल के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फेमस है सूर्य किरण, आज की है नहीं, काफी चर्चा में रहती है ऑलमोस्ट जब भी एक्सरसाइज होती है, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के यहां पर एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गृहवा ज्योति स्कीम, देखिए आज द हिंदू में एडवर्टाइजमेंट में इस स्कीम को शो किया गया है। कई बार देखिए एग्जाम में कब आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप कभी एग्जाम देने जाते हैं तो देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ स्पेशल पोस्टर होते हैं, जिस भी राज्य में आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां के कोई स्कीम के पोस्टर होते हैं। जैसे मैंने खुद फील किया है, जब हम लोग भी तैयारी करते थे, राजस्थान का एग्जाम था और राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन के बाहर पोस्टर लगा हुआ था, वहां की कोई फेमस स्कीम थी और मॉर्निंग में पेपर में वही पूछी गई थी। और रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था यूपीपीसीएस के एग्जाम में, G20 के लोगो भर भर के हर शहरों में लगे हुए थे और G20 का क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा गया था कि कौन कौन सा कलर है उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसी चीजों को दरकिनार नहीं करना है, सरकार जिन चीजों को प्रमोट करती है वो पेपर में बहुत बार देखने को मिलती है, आने वाले मतलब बीते 4-5 साल में ऐसा हो चुका है। तो गृहवा ज्योति स्कीम कर्नाटक की स्कीम है, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी इसके तहत दी जाती है। राजकुमार कोहली, नेक्स्ट हम बात करेंगे राजकुमार कोहली, इनकी डेथ हो गई है, तो ये फिल्म मेकर है और इन्होंने बहुत अच्छी मूवियां दी है, जैसे कि नागिन, जानी दुश्मन, नौकर, बीवी का, ठीक है, वैसे तो सभी होते हैं। तो देखिए इंडिया यूरोपियन यूनियन पैक्ट होता है इनके बीच में, इंडिया पैक्ट करता है यू के साथ में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिए सेक्सुअल तरीके से भी स्प्रेड हो सकता है मंकी पॉक्स, कोंगो में देखने को मिला पहली बार, WHO ने कंफर्म कर दिया है, तो भाई याद रखना ये वाली लाइन एज इट इज। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिरम घाटी, बहुत बड़ा कांड 2013 का नक्सल अटैक दरबा वैली के जिरम घाटी में, छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिलेगी। तो देखिए गाइज मैप में एक बार लोकेशन बिल्कुल देखना कि ये दरबा वैली कहाँ पे पड़ती है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे ओड जो है ये क्या है, इसको मिलता है बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एट 54th IFFI, बिल्कुल ये किसके ऊपर बेस है यहां पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ देखिए हमारा आज का करंट अफेयर यहीं एंड होता है, मिलेंगे नए दिन के साथ, कोई सजेशन सुझाव हो तो मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, जय हिंद।